हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज से मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम आरपीएससी और आरएसएसएमबी ने अब तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए वो सारे एग्ज़ामों के हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। इन पेपर सॉल्यूशन के अंदर चाहे राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो या वर्ल्ड जीके हो, जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम के अंदर है वो सारे मैं करवाने वाली हूँ। एग्ज़ाम कोई भी हो, आपके लिए पेपर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आरपीएससी के जो एग्ज़ाम के पेपर है वो करवाने वाली हूँ, क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि दो बहुत ही बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक तो जूनियर अकाउंटेंट और एक आरएस का एग्ज़ाम। आरएस प्री और जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है आरपीएससी करवा रही है, और आपको ये कहते हुए सुना होगा कि आरपीएससी अगर एग्ज़ाम करवा रही है तो अब तक आरपीएससी ने जितने भी पुराने एग्ज़ाम करवाए हैं आप सब सारे पेपर सॉल्यूशन देख लिए। तो इसलिए मैं आपके लिए आरपीएससी ने अब तक जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं वो सारे पेपर्स मैं लेकर आई हूँ, चाहे वो पॉपुलर एग्ज़ाम हो, नॉन पॉपुलर एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सारे मैं लेकर आई। अब तक मेरे सामने आरपीएससी के लगभग 125 पेपर है, ठीक है। तो आप सोचिए कि लगभग 125 पेपर का अगर आप सॉल्यूशन करके जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो आपके लगभग 80 से 90% क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि आरपीएससी अपने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीट करती है। और आप जब ये पेपर सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसने कितने पेपर, कितने क्वेश्चंस है जो रिपीट किए हैं। तो आज से हम आरपीएससी के जो पेपर है उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज मैंने लगभग 4 से 5 पेपर लिए, मैं आपको जो पेपर है उनका सॉल्यूशन करवाने के साथ साथ पेपर का नाम भी बताते हुए चलूँगी, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आरपीएससी की साइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आंसर मैं वही बताने वाली हूँ जो आरपीएससी ने अपने फाइनल आंसर के अंदर माना है। तो आज लगभग 4 से 5 पेपर हम कर लेंगे, उसके बाद में अगर रोज़ हम 4 से 5 पेपर करते हैं तो बहुत जल्दी ही हम आरपीएससी के सारे पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज का पेपर फर्स्ट। ये जो पेपर फर्स्ट है ये पीटीआई का पेपर है। पीटीआई सेकंड ग्रेड का जो पेपर हाल ही में आरपीएससी ने करवाया था ये वो पेपर है, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर उनके सब्जेक्ट का हुआ था। जो फर्स्ट पेपर जीके का हुआ था मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा रही हूँ। इसके अंदर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो वर्ल्ड के हो, इंडिया के हो, राजस्थान के हो। इसके साथ ही हम 2023 में करंट के जितने क्वेश्चन आएंगे उन पर भी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि 2023 के अंदर अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2023 के अंदर करंट में जो आए हुए क्वेश्चन है हो सकता है वो भी वापस से रिपीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो उपराज प्रमुख जो मत्स्य संघ का नियुक्त किया गया था वो था तेज सिंह, ठीक है। ये उपराज प्रमुख पूछा, ठीक है। राज प्रमुख पूछेंगे तो उदयभान सिंह, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से राम स्नेह संप्रदाय की सिंहथल शाखा का संस्थापक कौन था? सिंहथल शाखा के जो संस्थापक थे वो थे हरि रामदास जी, ठीक है। जो सिंहथल राम स्नेह की संप्रदाय की जो शाखाएं हैं उनके आपको सबको संस्थापक जो है वो याद रखना है, ठीक है। रेण के दरियाव जी थे, ठीक है। और जो राम स्नेह की थी वाली उसके रामचरण जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं साथ साथ के साथ आसपास के जो चीज़ें हैं कोशिश करूंगी कि वो भी बताते हुए चलूँ, ताकि आपका रिवीजन होता हुआ चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 की चांद खेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? देखिए कुछ नए प्रश्न है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो 1921 की जो चांद खेरी नामक घटना है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? तो इनमें से तीन जो है आज़ाद मोर्चा के नेता थे, कौन कौन? बाबा हरिश्चंद्र, दाऊदयाल आचार्य और दाऊदयाल आचार्य जो है ये नहीं थे, रामकरण जोशी थे और गुलाबचंद कासलीवाल थे। तो जो नहीं थे वो कौन थे? दाऊदयाल आचार्य। बाकी तीनों थे, तीनों का नाम याद रखने आपको कि आज़ाद मोर्चे में कौन कौन शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देलवाड़ा का जो आदिनाथ का मंदिर है वो विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। निम्बोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो निम्बोरी नामक आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि वालर ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? तो ईश्वर विलास महाकाव्य जो है कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो सेकंड ग्रेड पीटीआई के सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए, तो आप थोड़ा सा इनको ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त होने से निर्वारित या प्रतिबंधित नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हम आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 2, 3
सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ये संशोधन कौन सा है, तो 91वां संविधान संशोधन है, ठीक है। और इसमें ये कौन से अनुच्छेद के अंदर दे रखा है, तो ये अनुच्छेद 164(1)(k) के अंदर इसका उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 199(k) के उपखंड के से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। बिल्कुल सही है, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। ये भी सही है, तो दोनों कथन जो है ये दोनों ही कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दो हो जाएगा, आंसर एक हो जाएगा कि एक और दो दोनों कथन सत्य है, ठीक है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई थी, बिल्कुल सही है। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया था। दोनों ही कथन सत्य है, तो एक वे दोनों कथन सत्य है, आंसर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि त्रिपाठी की जो नियुक्ति है वो 1950-51 तक की गई थी, 1950-51 तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सेवा शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों के सीमा नियम 1951 पारित किए गए थे। तो जो दूसरा है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा नियमित कर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, उस वक्त राज प्रमुख थे, राज प्रमुख कौन, मानसिंह द्वितीय थे, उनके द्वारा किया गया था। तो राज प्रमुख के द्वारा ये कार्य किया गया था, और ये दोनों ही कथन असत्य हो जाएंगे। तो पहला जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, एक व दो दोनों असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन सी धारा है, धारा 22 जो है, ये जो राज्य आयोग है मानवाधिकार आयोग उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। धारा याद रखेंगे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, अभी आरएस के अंदर भी है, तो आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। राजस्थान के निम्न पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करना है, इनको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे बीजी राव, उसके बाद में आ जाएंगे कृष्णपुरी, उसके बाद में सुब्रमण्यम, उसके बाद में भगत सिंह मेहता। तो CABD इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख 243(k) के अंदर किया गया है, या फिर 243(a)(b) आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। तो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गुलाबचंद कटारिया। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है। तो किसके अंदर है, 189(3) के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जून 2022 को जारी राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर माना था एस्पायर्स की श्रेणी के अंदर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। तो किसने जीता था, वेदिका शर्मा ने जीता था, ठीक है। निम्न में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये याद रखेंगे, 25 अप्रैल 2022 को अधिसूचित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अक्टूबर 22 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 जनों को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। कौन कौन थे 6 जने, तो देखिए इसमें 2 उद्योगपति थे, एक का नाम था एलन मित्तल, ठीक है, एलन मित्तल, और एक का नाम था अरविंद अनिल अग्रवाल। तो ये 2 तो उद्योगपति थे, मित्तल और अग्रवाल, ठीक है। दो थे जो थे न्यायाधीश थे, एक तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर है कौन, दलवीर भंडारी, और एक थे लोडा, ठीक है, एक थे न्यायाधीश लोडा। तो लोडा और दलवीर भंडारी 2 न्यायाधीश, 2 उद्योगपति थे मित्तल और अनिल अग्रवाल, और 2 थे, एक तो केसी मालू थे और एक शीनकाफ निजाफ थे। तो कौन नहीं था, तो अरविंद मायराम नहीं था, बाकी 3 ये थे और 3 मैंने आपको बता दिए। तो 6 जने थे जिनको क्या मिला था, राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है। 6 के नाम आप याद रखेंगे।
राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो दो व्यक्तियों को। एक मोक्ष कलश के साथ कितने व्यक्ति जा सकते, दो व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा है, तो इसके लिए जो चयनित शहर है वो कौन सा है, कोटा है। ठीक है, कौन सा है, कोटा है। ठीक है, आंसर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो है DB गुप्ता, यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण और शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो उच्च जो शिक्षण है, उच्च शिक्षण और शोध के लिए जो है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें कितनी लोक अदालतें बेंचों का गठन किया गया था, तो इसका आंसर था 480। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व के निम्न महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम मतलब कि बड़े से घटता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर, उससे छोटा इंडियन यानी कि हिंद महासागर, उसके बाद में अटलांटिक महासागर और उसके बाद में आर्कटिक महासागर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, पहला हो जाएगा प्रशांत, उसके बाद में अटलांटिक, उसके बाद में इंडियन यानी कि हिंद, और उसके बाद में आर्कटिक, यानी कि BDCA इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, इसमें कुल जनसंख्या के हिसाब से जो आरोही क्रम में पूछा है, तो बांग्लादेश, ब्राजील, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यानी कि ये विषुवत रेखा है, ये व्यापारिक पवन है। ठीक है, ये इधर व्यापारिक पवन है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये ऊपरी गोलार्ध है, और पछुआ पवनों की दिशा ये वाली हो जाएगी। ये वाली का मतलब इसको बुक्स अगर अंदर बना के हम देखते हैं तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये दिशा हो जाएगी, तो नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, WTO यानी कि विश्व व्यापार, सॉरी ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है, तो कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालिका 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो था ये डिलीट हो गया था। ठीक है, स्टार लगा हुआ है इसके ऊपर, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है, तो इनमें से जो एल नीनो से संबंधित नहीं है वो है कि ये चक्रवाती मौसम को जन्म देता है। ठीक है, बाकी तीनों इससे संबंधित है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ये एक संकरी गर्म समुद्री जलधारा है, और कभी कभी जो दक्षिण अमेरिका का पेरू तट है ये उसके पास चलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो भारत से जिस नदी का उद्गम नहीं है वो सतलज है, बाकी तीनों का भारत से उद्गम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण है, प्रतिशत के अंदर पूछा है, तो नंबर 2 इसका मिजोरम जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, झारखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि झरिया जो है ये किसकी खान है, तो ये कोयले की खान है। ठीक है, देखिए मिलते जुलते ये क्वेश्चन है, कभी कभार वो जो आंसर है उसको क्वेश्चन बना देता है, कभी क्वेश्चन को आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग कतिपय कारकों पर विचार करता है, निम्न में से कौन सा कारक उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उत्पादन की लागत है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं, और मांग पूर्ति की दशाएं हैं। जो नहीं है वो आंसर नंबर 3 है, जो 3 वर्षों का न्यूनतम समर्थन मूल्यों का औसत इसमें नहीं है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है, नवीन आर्थिक नीति जो 1991 की है उसमें निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना है, दोनों ही कथन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 मूल कोर उद्योगों के सूचकांक में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से खाद है, कोयला है, सीमेंट है, होटल और परिवहन इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु का भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यातों के हिस्से के रूप में 2018 में सर्वाधिक रहा था, तो चावल का निर्यात 2018 में सर्वाधिक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट है भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें पहला है भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है, तो ए और बी जो है इसका सही आंसर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्तियां प्रदान की गई थी। तो गवर्नर जनरल को जो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। ठीक है, 1919 में पहली बार द्विसत्तात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर स्थापित किया गया था, नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों को बहुमत कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो उत्तरदायी वाला है ये इसमें आंसर नंबर 4 इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, कि गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के निम्न में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो गवर्नर जनरल जो है 1935 के अधिनियम में धारा 102 के तहत आपात की घोषणा कर सकता था। ठीक है, देखिए वैसे मैं जो आंसर की आरपीसी ने मानी है उसके अकॉर्डिंग आंसर बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि जल्दबाजी में मेरे द्वारा कोई आंसर गलत बता दिया गया तो मैं लास्ट के अंदर इसके अंदर कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगी। ठीक है, कोशिश ये कर रही हूँ कि जो आंसर बताए गए थोड़े जल्दबाजी में हो सकता है कोई क्वेश्चन गलत बताने में आ सकता है। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तो प्राधिकृत किसको किया गया था, यह है लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसके द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का के लिए प्राधिकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संविधान सभा के द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था, हंसा मेहता ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(k) के अधीन मूल अधिकार होगा। ये किस वाद के अंदर कहा गया, तो ये जो है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 का जो वाद है उसके अंतर्गत कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39(k) के अनुसार राज्य देश पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ये गलत हो गया। अनुच्छेद 51(k) के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ये सही है। तो नंबर 1 और 3 जो है वो सही है, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है, ठीक है, जब लोकसभा है वो सत्र में नहीं है तो राज्य की जो संचित निधि के व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने का अधिकार किसको होगा, राष्ट्रपति को होगा। ये किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया, तो अनुच्छेद 357(1)(k) के अंदर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी भी है तो क्या दी है, तो ये बिल्कुल सही है, ये 74(2) के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें मंत्रिमंडल नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। तो एक कथन 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, इसका आंसर है दूसरा। ठीक है, कथन 1 और 2 सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंत स्थापित किया गया था। तो सहकारी समितियों से संबंधित 97वां संविधान संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्न में से किस पैरा में किया गया है। तो कौन से पैरा के अंदर किया गया, दल बदल का पैरा 6 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अक्षर से उल्लेखित नहीं है, यानी कि ऐसा कैसा उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका संरक्षण करना है, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है और देश की रक्षा करना और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र सेवा करना है। तो नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसमें अक्षर से उल्लेखित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो प्रादेशिक अखंडता, प्रभुता की संप्रभुता, ये जो है बिल्कुल है, किसी पर अनाक्रमण, जो आक्रमण करना है यानी कि अनाक्रमण है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरे की
मामलों में हस्तक्षेप यानी कि हस्तक्षेप है, ठीक है। तो नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, बिल्कुल सही है। नागरिकों के समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच में मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना है, ये भी है, ठीक है। इसके सभी सदस्य सार्वभौम और समान है, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ के चार्टर के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही कोड का चयन करना है। तो सुरक्षा परिषद का जो है, देखिए सुरक्षा परिषद का कैसे याद रखेंगे, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो स्थायी जो होते हैं 5 वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सुरक्षा परिषद का उल्लेख जो है अध्याय 5 के अंदर है, ठीक है। तो 1 में 2 हो जाएगा। सदस्यता जो है हमारे यहाँ पर नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, तो यहाँ पर सदस्यता का उल्लेख अध्याय 2 के अंदर है, तो इसमें बी में 4 हो जाएगा। उसके बाद में विवादों का जो शांतिपूर्ण निपटारण है वो किसके अंदर है, अध्याय 6 के अंदर है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद का उल्लेख अध्याय 10 के अंदर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 सदस्यता का 4 है, 2 4 3 1 किसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है तालिका 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो जयगढ़ जो है, जयगढ़ कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है। लसाड़िया का पठार जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में स्थित है और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 फिर 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में से किस जिले में अंकित किया जाता है। तो इसका आंसर जो माना गया है वो है गंगानगर जिले के अंदर, ठीक है। तालिका 1 में तालिका 2 से सुमेलित करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर गग्गर जो है, गग्गर का उद्गम कहाँ से होता है, तो गग्गर का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, माही का महन झील से होता है, चंबल का जनपाव की पहाड़ियों से होता है और बनास का खमनौर की पहाड़ियों से होता है, यानी कि 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जिलों में किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, जब भी कहा था कि सागवान वन आते हैं आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में वालरा कृषि की जाती है। तो वालरा कृषि मैदानी क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों के द्वारा की जाती है और जिसे मतलब आदिवासियों की कृषि भी कहा जाता है, ये कहाँ की जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः बिलों के द्वारा। निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। तो जो जमुनापरी है ये बकरी की नस्ल है, इसलिए ये गोवंश की नस्ल नहीं है, बाकी गिर, मेवाती और थारपारकर जो है गोवंश की नस्ल है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म जो है महिला साक्षरता में प्रथम और द्वितीय स्थान रखता है। तो प्रथम स्थान पर कोटा और द्वितीय स्थान पर जयपुर, ठीक है। और सबसे कम का है जालौर के अंदर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चे 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण पूछा है तो क्या हो जाएगा, 892। और वैसे जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है, 888, ठीक है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई थी। तो किस जगह प्रारंभ की गई थी, ब्यावर के अंदर, द कृष्णा मिल, क्या नाम है, द कृष्णा मिल। कब की गई थी, 1889 के अंदर, और दामोदर दास के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है। तो कब किया है, 1985 के अंदर। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ पर भारी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले, तो कहाँ मिले, गणेश्वर के अंदर, ठीक है। इसलिए इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो दुर्गीकरण के अवशेष है, अग्निविधि का ही है, मृतमान मिले, शैल चित्र यहाँ से नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पुरातत्वविदों में किसने बिराट का उत्खनन किया है। तो जो दयाराम साहनी है, यानी कि डी आर साहनी जो है, इन्होंने इनका उत्खनन किया था। किसका, बिराट का। गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था। तो ये क्वेश्चन अलग नया क्वेश्चन था, कहाँ करता था, राजौरगढ़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था। तो राणा सांगा के समय महमूद खिलजी द्वितीय जो था ये मालवा का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे। तो बिहार के ये सूबेदार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। ये क्वेश्चन अभी वापस से सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ है, किसने कहा था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था, ठीक है।
निम्न में से चौहान शासकों को कालक्रमों के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। चौहानों का कालक्रम के अनुसार तो पहला चामुंडराय, दूसरा दुर्लभराज, तीसरा विक्रमराज तृतीय और चौथा पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो मेजर बर्टन थे। ईडन कहाँ के थे, जयपुर के थे। मॉरिसन जो है ये कहाँ के थे, ये भरतपुर के थे। इसके अलावा मैकमोसन कहाँ के थे, जोधपुर के थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन टोंक का नवाब था, तो वजीरउद्दौला जो था ये टोंक के नवाब थे। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था, तो प्रथम चांसलर गंगा सिंह को बनाया गया था। और कब की गई थी नरेंद्र मंडल की स्थापना, 1921 के अंदर। किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1919 के अधिनियम के तहत की गई। निम्न में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था, तो कौन था, राव कृष्ण सिंह था, ठीक है। तो ये पीटीआई का पेपर था। अब नेक्स्ट पेपर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पेपर है आरपीसी ने करवाया था, असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है, जो मई के अंदर करवाया था, 21 मई को। तो इसके अंदर जीके के, राजस्थान जीके और इंडिया जीके या फिर वर्ल्ड जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने का आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो मणिपुर के शासक कौन थे, बोधचंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है कौन है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों, पक्षियों और मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग बनाए गए, तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये बगरू प्रिंट के बारे में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला निम्न में से कौन सा नृत्य सिरोही क्षेत्र में ग्रासीय जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जो प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा है, वालर नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को क्या कहा जाता है, तो इनको प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा 1919 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष आंदोलन बना था, तो पहला जो अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था 1919 का, रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत सर्किट, देखिए आरएस के अंदर कुछ साइंस के टॉपिक भी दे रखे, तो इसलिए साइंस के जो क्वेश्चन आए हुए वो भी मैं करवा देती हूँ साथ के साथ। विद्युत सर्किट में कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कैपेसिटर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है विद्युत आवेग के संग्रह को, आवेग जो होता है उसको संग्रह करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अर्धचालक के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा दूर संचार यानी कि टेली कम्युनिकेशन प्रणाली में एक मॉडेम का प्राथमिक कार्य है, तो मॉडेम का प्राथमिक कार्य क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करने का कार्य करता है, ऑप्शन 2 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा के गुणवत्ता सूचकांक और मानव स्वास्थ्य पर निलंबित कण पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव निम्न में से कौन सा है, तो इनका जो इसका जो आंसर माना गया था वो है कि हवा की गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता है और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गैर परिवर्तनशील यानी कि जो स्थायी मेमोरी है उसका आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम में फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संचार उपग्रह के द्वारा उपयोग की जाने वाली कक्षा का एक प्रकार है जो उन्हें पृथ्वी की सतह के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में रहने की अनुमति देता है, तो कौन सी कक्षा है, वह है भूस्थितिकी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्जन कंट्रोल के लिए आमतौर पर निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें से गिट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, लगभग 650 किलोमीटर। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास के नाम है, स्थिरता के साथ विकास, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बजट में देश को अमृतकाल की दिशा में निर्देशित करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया था, तो 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस आर्थिक सुधार ने राजस्थान सहित कई राज्यों को लाभान्वित करने वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों जो है MSME के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है, तो किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ECLG, क्या हो जाएगा, ECLG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में नामित किया गया है, तो किसको किया गया है, ये किया गया है जयपुर को किया गया है, आंसर नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो गोटन नागौर के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी
नहीं है। तो कौन सी नहीं है? चंबल नदी की सहायक नदी लूणी नहीं है, बाकी बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? कोटा के अंदर मुकुंद्रा रिजर्व पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी भूगर्भीय घटना का कारण थी? तो ये थी नदी अपवर्धन। ठीक है, आप याद रखेंगे कौन सी है? नदी अपवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस PSU ने हाल ही में राजस्थान में 1 GW और सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया है? तो वो है ONGC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो दौसा के अंदर पाई जाती है, बाकी यहाँ पर जो है हाड़ौती के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो आप कम से कम 4 तो याद रखिएगा। सबसे लंबी जो है एंडीज है, एंडीज के बाद में रॉकी है, रॉकी के बाद में हिमालय, और हिमालय के बाद में जो ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला है सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक मिलियन टन तांबे का भंडार है? तो सर्वाधिक तांबे का भंडार कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत पात्र लाभार्थियों को दिए जाने वाली क्रेडिट लिक्विड अवधि की सीमा कितनी है? तो कितनी है? 20 साल। ठीक है, 20 साल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मेले को केला देवी क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में मार्च 2023 में करौली जिले में मनाया गया था? तो ये कौन सा है? करौली का लक्की मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किस जिले में पीपलकोट हाई लेवल केनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? पीपलकोट कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्न में से किस स्टेशन के बीच में चलती है? तो ये अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में चलती है। निम्न में से किस देश में बुज्जी पुल, नाम क्या है? बुज्जी पुल भारत द्वारा बनवाया गया था, जो हाल ही में विदेश मंत्री जो हमारे जयशंकर है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर है? मोजाम्बिक के अंदर है। ठीक है, मोजाम्बिक का मरुस्थल भी है, कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2023 में किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? हमारे भारत के अंदर किया गया था, मार्च 2023 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्कर में आनासागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अर्णो राज ने करवाया था। कांवड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये कांवड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये इस पेपर में ये मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये पेपर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेपर है RPSC ने जो 16 जून को टाउन प्लानर का जो एग्ज़ाम करवाया था उसमें जो GK के क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो 30 मार्च 1950 को व्रत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण बताया था? तो ये किसको बताया था? निमुषाणा कांड को बताया था। ठीक है, कब हुआ था? 14 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? तो कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो तारागढ़ का जो किला है वो गिरी दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? तो ये किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, मेवाड़ की दीपावली के मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन के पहले अक्सर लड़के लड़कियाँ घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है गड़ालियो। देखिए नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्या कहा गया है? गड़ालियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जसनाथी पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी? तो बीकानेर के कतरियासर गांव में जसनाथी के किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? अग्नि नृत्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया इसका शीर्षक नाम क्या था? मंत्र राज प्रकाश। तो ये किसके मंत्र राज प्रकाश जो है ये किसके विचारों का संकलन है? ये है दादू दयाल के विचारों का संकलन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसका है? ये हरिदास का है। सॉरी, ये गलत है। ठीक है, किसका? ये मंत्र राज प्रकाश जो है ये हरिदास जी जो है उनके विचारों का संकलन है। किसके? हरिदास जी के विचारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र को
जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम विजयों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवा कर संजोया है। इस लेखा जोखा के जो वर्णन है इसको क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है ख्यात। क्या कहा गया है, ख्यात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है, तो आप सबको पता है कौन सी है, तारागढ़ है। माही नदी के किनारे कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण निम्न में से किसे 100 द्वीपों का शहर कहा गया है, तो किसे कहा गया है, बांसवाड़ा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई राजस्थान में बहने वाली राजस्थान किस नदी की सहायक नदी है, तो लूणी की सहायक नदी है। किसकी, लूणी की। तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिलीट माना गया था, ठीक है, आप याद रखेंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन डिलीट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है वो माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किस जिलों में पाई जाती है, तो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, और इनमें से हाड़ौती प्रदेश का 12 जिला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पहल है जो वास्तविक समय के आधार पर जयपुर जोधपुर उदयपुर शहरों की वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो कौन सी है, राजवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU किया है, तो किसके साथ किया है, ये किया है ईशा फाउंडेशन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में 1945 में निजी क्षेत्र में के रूप में संस्थापित किया गया था, तो किसके रूप में संस्थापित किया गया, बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर के रूप में संस्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में स्थापित रिको पार्कों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, सबसे छोटा पूछा है तो कोटा के पास जो राणपुर है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए PLSF रिपोर्ट के अनुसार सभी आयु वर्ग के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार राज्य राज्य में बेरोजगारी दर UR प्रतिशत क्या थी, तो इसका आंसर उस वक्त 4.8% था, 4.8% इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेड्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था, तो कौन सा उपयुक्त नहीं था, चित्तौड़ था, बारा था, सिरोही था, जैसलमेर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसमें सफ़ेद और ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पेंटर्स होते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सांगानेरी प्रिंट, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी में राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है, ठीक है, ये गैर नवीनीकरण पूछ रहा है, ठीक है, थर्मल पावर का पूछ रहा है, तो सबसे कम किसकी है, गैस की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्न में से देश में किस MCDR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है, तो किसका है 100%, सेलेनाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग की बैठक निम्न में से किस जिले में आयोजित की गई थी, तो उदयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से निम्न में से किस देश के साथ जोड़ने का विचार कर रहा है, तो किसके साथ जोड़ने का विचार कर रहा है, सऊदी अरब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा और वह खंड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये दिल्ली दौसा लालसोट स्थान पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान से संबंधित है जिसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, नंदिनी गुप्ता ने, ठीक है, याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस एजेंसी ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत पाठ योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है, तो किसने की है, इसका आंसर हो जाएगा द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एपेडा यानी कि APEDA एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निम्न में से किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय प्रदर्शनी में भाग लिया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर लंदन, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में WHO द्वारा निम्न में से किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड 2023-24
आपके लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 25 लाख कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस वर्ष तक लागू है, जब तक भविष्य में कोई और अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाए, तो कब तक होगी, 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महंगाई राहत 2023 में महंगाई राहत शिविर की मिशन मोड गतिविधि के अंतर्गत लगभग कितने शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे, तो राहत कैंप चल रहे भी कितने किए जाएंगे, 2700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो राजपूतान शब्द का प्रयोग किया गया था। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, राणा अमीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी कृति राव जयसिर और छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है, तो किसके अंदर कहा है, राव जयसिर और छंद के अंदर किसने कहा है, बिट्टू सुजा ने। किसको कहा है, लूणकर्ण को। क्या कहा है, कलयुग का कर्ण। ठीक है, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो नयनूराम शर्मा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यासीन खान चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि टूरिज्म 2020 विजन UNWTO 2002 से प्रस्तुत हुआ है, शहर या उच्च जनसंख्या घनत्व वाले स्थान जहाँ पर यात्रियों द्वारा फुर्सत और मनोरंजन के लिए यात्राएं की जाती है, उन्हें किसके रूप में संदर्भित किया जाएगा, तो पर्यटन शहरों के रूप में संदर्भित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 74वां संशोधन 1992 नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 साल में एक बार किसकी स्थापना करेगा, तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम यानी कि 15वें वित्त आयोग की परिसंचालन अवधि जिसे 2017 में स्थापित किया गया था, इसकी जो 15वां वित्त आयोग की इसकी स्थिति क्या रहेगी, मतलब इसका कार्यकाल क्या रहेगा, तो 2020 से 25 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार का एक अर्थ एक निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नगर निगम के अधिकारियों में से एक नहीं है, तो नगर निगम के जो अधिकारी उसमें महापालिका अध्यक्ष जिसे मेयर कहते हैं वो है नगर आयुक्त है, चेयरमैन है स्थायी समिति है, चेयरमैन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महानगर योजना समिति का प्रमुख कार्य नहीं है, तो प्रमुख कार्य कौन निम्न में से कौन सा नहीं है, क्षेत्रीकरण है, योजनाओं की स्वीकृति, मास्टर प्लान की तैयारी और हरित भवन रेटिंग की स्वीकृति, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। महानगर योजना समिति, आप तो ये याद ना भी रखें, ये याद रखिएगा कि महानगर योजना समिति जो है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो 243 ZE के अंदर है। एक जिला योजना समिति भी पूछी जाती है कि किस में है, तो 243 ZD के अंदर है, तो पहले जिला योजना समिति ZD के अंदर और 243 ZE के अंदर महानगर योजना समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्किप तक के क्वेश्चन थे, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं इनके। ठीक है, ये हमारे काम के नहीं है, तो जीके के जितने प्रश्न थे इस पेपर के वो सारे मैंने करवा दिए, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट जो EORO के एग्जाम अभी हाल ही में RPSC ने करवाया था, ये उसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, EORO सेकेंड शिफ्ट का पेपर, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया था जो जयपुर अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1870 में ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ में एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी, तो किसने की थी, CA हैकेट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम क्षेत्र में खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था, तो गणेश्वर था। चित्तौड़ के आसपास क्षेत्र को किस जनपद के रूप में जानते थे, तो शिवी जनपद के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, तो कैलाशपुरी का मंदिर था किसका, तो लकुलिश संप्रदाय का था, और किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने बनवाया था। निम्न में से राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और अब उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था, राव चूड़ा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से गिरे होते हैं, तो कौन से होते हैं, औदुक दुर्ग। ठीक है, आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली का बना हुआ है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली का बना हुआ है और इसके अंदर ये सबसे प्राचीनतम मंदिर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, दूल्हे के रिश्तेदारों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय किस कौन सा गीत गाया जाता है, तो बिंदोला से संबंधित गीत गाया जाता है, बिंदोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लाल लल
ठीक है, ये लालर है, ठीक है, लालार नहीं है, ये लालर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर बिच्छू और लालार से क्या तात्पर्य है, तो ये क्या है, लोक गीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, डॉक्टर ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है, तो ग्रेसन ने मुख्य 5 समूह के अंदर विभाजित किया है, कितने में, 5 समूह के अंदर विभाजित किया है। निम्न में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथ में हमें एक राजा की महानता, उसके विजय, युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है, तो किस प्रकार के काव्यों के अंदर मिलता है, तो रासों के अंदर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास ने की थी, और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो इसकी प्रधान पीठ नागौर के अंदर है, कहाँ पर है, नागौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, दादू दयाल को। गणगौर के अवसर पर होली के राग से बने केक पिंडिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, तो जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है, तो गले में जो आभूषण पहना जाता है उसे तिमड़िया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है, तो मांड गायन के कारण ही वो लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नवंबर 1931 में किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, तो कौन थे वो, भोजी लंबरदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, पोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है, तो कहाँ पर है ये, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के द्वारा की गई थी, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों के अंदर बांटा गया है, तो भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को 12 उपक्षेत्रों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट है, भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियाँ है जो मध्य माई छपन बेसिन में स्थानांतरित खेती व्यवसाय करती है, उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे वालरा के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, वालरा के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के निम्न में से कौन सी नदी के सतह थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाते हैं, जो कांकनी नदी है जैसलमेर के अंदर, वो थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में कौन सी गिरती है, चंबल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बनास भी बंगाल की खाड़ी में, बाणगंगा भी बंगाल की खाड़ी में, माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएँ हैं, तो जो चरम सीमाएँ हैं वो क्या है, निम्नतर है, क्या है, पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएँ निम्नतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए उपयोगी है। निम्न में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी या खेजड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, तो जो धोखड़ा है, धोखड़ा जो है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट प्रकार की मिट्टी जो पर्वतीय क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर उसके आसपास पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान की निम्न में से किस परियोजना को मरु गंगा के नाम से जाना जाता है, तो मरु गंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में नहर सिंचाई के में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो नहर सिंचाई के अंदर जो प्रथम स्थान है वो श्री गंगानगर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है, तो खेतड़ी झुंझुनू जो है ये तांबा का उत्पादक है। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था 1916 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 928 है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला बंदे साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो बंदे साड़ियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है, जबकि कोटा डोरिया की साड़ियों के लिए कोटा प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य किस जिले में स्थित है, तो गमधर का जो जैव विविधता पार्क है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार के जलवायु पाई जाती है, तो शुष्क प्रकार की जो जलवायु है ये बीकानेर के अंदर पाई जाती है। निम्न में से कौन से राजस्थान की जनजाति नहीं है, भील है, मीणा है, डामोर है, खटीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर में पलाना में निक्षेप है, तो किसके है, कोयला या ग्रेनाइट सॉरी लिग्नाइट के निक्षेप है। निम्न में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है, तो हनुमानगढ़ करता है, ठीक है। अमेरिकन कपास भी यहीं पाई जाती है। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, तो 1947 के विभाजन के बाद में जो संविधान सभा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे,
तो विभाजन के बाद में संविधान सभा के अंदर 299 सदस्य थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्न में से किस देश से उधार ली गई है, तो ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्न में से किस भाग से प्रदान किए गए, तो भाग 3 में प्रदान किए गए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्न में से किस में किया गया है, तो ये जो है ये मौलिक कर्तव्यों के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंदर है, अनुच्छेद 44 में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए, तो न्यायाधीश के रूप में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति को न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो राज्यसभा के अंदर न्यूनतम आयु 30 है, कितनी है, 30 वर्ष। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि के का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकेगी, तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। भारत में नीति आयोग के द्वारा, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 के अंदर की गई थी। निम्न में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे, तो भारत के पहले लोकपाल थे पीसी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा में कितने सदस्य है, हमारे राजस्थान राज्य विधानसभा में 200 सदस्य है। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी, तो कौन बनी थी, कमला बनीवाल, और किसके मंत्रिमंडल में थी, अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में थी। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 25 सीटें है, और राज्यसभा की कितनी है, तो 10 है, और टोटल आपसे पूछे तो कितनी है, 35 है, और इस 25 में से भी जो 4 है वो तो अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है, तो नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम कौन है, नागरिक है। निम्न में से कौन सा दस्तावेज सूचना विकल्प परामर्श सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है, नागरिक अधिकार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो कहाँ लागू की गई थी, नेहरू के द्वारा नागौर के अंदर। RTI 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्न में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है, तो कौन सा है, RIC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था, तो लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम जो है 2011 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है, तो इसका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 662 होता है, पहले कितना था, 664 था, जिसको 41वें संविधान संशोधन से बढ़ाकर कितना कर दिया, 662, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारी और सदस्यों की सेवा शर्तों का विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किसमें, अनुच्छेद 318 के अंदर है। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत में कौन सा नंबर का राज्य बन गया, तो पहले नंबर का राज्य बन गया, ठीक है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है, इसको किस, इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषण कौन करेगा, तो कौन करेगा, फ्रांसीसी सरकार करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के निम्न में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है, ठीक है। इसका नाम याद रखेंगे, नाम क्या है, MSME प्रेरणा, और किस बैंक के द्वारा, इंडियन बैंक के द्वारा, ठीक है। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है, तो किसने किया है, सेना प्रशिक्षण कमांड ने किया है, और नाम क्या है, शत्रुनाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, तो कौन कर रहा है, सऊदी अरब, ठीक है। किस देश ने OGUP-44 यानी कि Eagle-44 के नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है, तो किसने किया, ईरान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गतिशक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, तो किसने किया है, भुवनेश्वर में, कहाँ किया, भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क थ्री दिया है, तो किसको दिया है, मॉरीशियस को, ठीक है। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCAR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है, तो किस में की है, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो ICC महिला T20 का मेजबान देश कौन था? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, एयरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए? तो कौन कौन है? भारत, फ्रांस और UAE, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? UK के अंदर, ठीक है। भारत की 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो सायंतन दास बने। आयुष मंत्री किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? गुवाहाटी के अंदर किया है, ठीक है। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो किस देश की करेगा? ईरान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, इसका 79 का आंसर हो जाएगा इजराइल। कौन सा होगा? इजराइल, ठीक है। किसकी करेगा? इजराइल की जो है उसका लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन यानी कि जो बाइडेन जो है उनके द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो अजय बंगा को नामित किया है, ठीक है। राजस्थान, ये अब इसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा EORO का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो देख लेते हैं हम फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था? तो पहले जो चरण था उसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी कि ABCD सम्मिलित हुए थे, ठीक है। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले? तो कौन सी नदी के किनारे मिले? बैराज, ठीक है। आहड़ की खुदाई के बाद 4,000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी जो जिस टीले के नीचे दबी हुई थी उसका नाम क्या है? धूलकोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, किस कारण से जाना जाता है? तो इसके अंदर जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसके अंदर बड़ी संख्या में तांबे के औजारों और उपकरण मिले, तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध कितने वर्ष की? 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। आबू की परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो धूमराज था। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली ये सभी जो है ये हाड़ौती स्कूल की श्रेणी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आसकरण की जो रानी थी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था। गिदड़ नृत्य जो है शेखावटी से संबंधित है। चार बेत जो है टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो अभी हाल ही के अंदर सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। हाड़ा राजपूतों के द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो हाड़ा क्षेत्रों के द्वारा, हाड़ा क्षेत्र कहाँ पर? बूंदी में थे, और वो कहाँ पर? हाड़ौती बोली बोली जाती है, ठीक है। रिंदरोही के लेखक कौन है? तो रिंदरोही के लेखक जो है अर्जुन देव चरण है। कौन है? अर्जुन देव चरण। ऊँटों के देवता के रूप में किसको जानते हैं? पापू जी को जानते हैं, ठीक है, जो रेबारी समुदाय के द्वारा पूजनीय है। मावजी के अनुयायी जिन्हें विष्णु का क्या मानते हैं? कल के अवतार मानते हैं, ठीक है। किस कौन से संप्रदाय? निष्कलंक संप्रदाय। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो कौन से मेले कहते हैं? बेणेश्वर मेले को। नवा टापरा गांव, ठीक है। महिलाएं जो है बोल्डा नामक आभूषण कहाँ पर पहनती है? तो बोल्डा कहाँ पहनती है? सिर के अंदर, सिर के ऊपर, ठीक है। किस वर्ष जयपुर वेदशाला जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो या बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? बूंदी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा। राजस्थान को उसके भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भू आकृति की दृष्टि से 4 भागों के अंदर बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के 100 टापों के शहर के रूप में किसे जाना गया? बांसवाड़ा को। निम्न में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है? तो पचपदरा है, डेढ़वाना है, द्रोणकरणसर है, डेबर झील नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को शेखावटी प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिण भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो 100 सेंटीमीटर से वर्षा जो अधिक वर्षा होती है उसका कारण है अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण, ठीक है। तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया? तो तापमान और जो वर्षा है इसके आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है।
किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जो उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्न से किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। बाकी तीन में कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। राजस्थान के जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा। थारका गढ़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को। ठीक है, कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। निम्न में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? तो कौन सा है? टोंक है, टोंक का भी राजमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्न में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? मकराना को जाना जाता है। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल 1889 के अंदर कब हुई थी? 1889 के अंदर स्थापित की गई थी दामोदर दास राठी के द्वारा। भीलवाड़ा को राजस्थान के किस रूप में जाना जाता है? मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर जो है सर्वाधिक इसकी है जालौर की। ठीक है, सॉरी कोटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान अलवर के अंदर स्थित है, उसका नाम है सरिस्का। निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ज़्यादा आर्द्र है? तो कौन सी है? सिरोही की। नेक्स्ट, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नया है, किसके? डामोर जिले के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मंगलोर क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मंगलोर कोट मंगलोर के नाम से भी पहचान सकते हैं आप इसे, और ये किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? 18%। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो बंधुता है। ठीक है, इसके अंदर नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। समानता शब्द का प्रयोग नहीं है, इसकी जगह समता शब्द है। बाकी बंधुता है, स्वतंत्रता है और न्याय है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 के दौरान प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद निम्न में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा सीधे लोकसभा के प्रति। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनाता है? तो सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख है प्रधानमंत्री। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है? तो कौन हो सकता है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? तो कितनी है? 33। ठीक है, 33। 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? तो 1+7 है, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल 8 है। कब से है? 2011 से है। ठीक है, ये 8 सदस्य कब से है? 2011 से। पहले कितनी थी? 1+2। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो 2003 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अब तक इसके आंसर माने गए मैं वही बता रही हूँ, हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो, जो चेंज होगा वो मैं आपको बाद में कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दूंगी। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया? तो जो 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया वो 1994 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत की विशेषता निम्न में से किस देश से उधार ली गई है? आयरलैंड से उधार ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्न में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो नागरिकता पर विवरण जो है ये प्रदान किया गया भाग 2 के अंदर। ठीक है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह। ठीक है, निम्न में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो इसका जो आंसर माना गया वो माना गया नंबर 2, मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नागरिक अधिकार पत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? तो इसका आंसर माना गया बिल्कुल नहीं। निम्न में से राजस्थान की किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो RIC का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस में किया गया है? तो ये किसके अंदर किया गया? मौलिक अधिकारों के अंदर किया गया है। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो नागौर के अंदर की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, व्यापार वाणिज्य है, शराब है, ये जो बंदरगाह और एयरवेज है ये नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर स्थित है। नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष यानी कि वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया? सिरोही के अंदर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के लांबी अहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाले सरपंच ने निम्न में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो किस संगठन के साथ किए? नाबार्ड के साथ। हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया? तो कहाँ पर किया? जयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फरवरी 2023 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया? तो व्यास मेडिसिटी का जो उद्घाटन है ये जोधपुर के अंदर किया है। 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। नंबर एक पर कौन है? महाराष्ट्र। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर माना है फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निशुल्क उपस्थित होंगे? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत के अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीता है? तो केन्या इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो किसने शुरू की है? भारत ने शुरू की है। ठीक है, किसने? भारत ने। नेक्स्ट है, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है? तो कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली के अंदर। भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोगैस आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? पाँचवा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? पाँचवा। नेक्स्ट, किस टीम ने नेशनल बीच सोकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो किसने जीती है? केरल ने जीती है। ठीक है, देखिए 2023 के आंकड़े तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो कौन थे? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल पेश किया है? तो किसने किया? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरे इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया? कटक के अंदर। ठीक है, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे कि हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? तो कौन सा मंदिर बन गया है? ये बन गया है केरल का मंदिर। ठीक है, कौन सा है? केरल का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने जीती है? कर्नाटका ने जीती है। ठीक है, बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी रही है स्मृति मंदाना। अब ये नीचे जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए, और देख लेते कोई जीके क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो ये आज हमने 5 पेपर कंप्लीट कर लिए, और ये 5 पेपर जो थे इसके अंदर जितने भी जीके के करंट के और जितने भी इंडियन राजस्थान या फिर वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिए। अब नेक्स्ट हम 4 या 5 पेपर नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे, ऐसे करते करते हम 125 पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, और RPSC के जितने भी क्वेश्चन उन्होंने अब तक करवाए वो सारे क्वेश्चन देख लेंगे। 2023 के थे वही मैंने करंट के करवाए, बाकी जो पुराने करंट होंगे उनके क्वेश्चन मैं स्किप कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।